हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी। हर हर महादेव, जय प्रभु, जय शिव शक्ति। 4 कार्ड्स, वी हैव गॉट जस्टिस विद टावर, ओके। 2 मोर कार्ड्स, मून एंड हैरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डेथ। तो यहाँ पे गाइस एनर्जी ग्रहण की अभी से शुरू हो गई है, परसों ग्रहण है, ठीक है, और आपको अभी से एनर्जी वाइब्स यहाँ पर दिखने लगेंगी। ग्रहण की एनर्जी में डरने वाली कोई बात नहीं है, एनर्जी में इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपको फील होंगे। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि आप बहुत रोने का मन करेगा, बिना बात के रोएंगे, या अपने लाइफ के जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें आपने झेली हैं उसको सोच सोच कर रोएंगे। अगर आपने किसी को खो दिया है उसको सोच सोच कर रोएंगे। इस तरह की वाइब्स है, जैसे कुछ गड़े मुर्दे उखड़ने वाली वाइब्स रहेंगी। पुरानी से पुरानी यादें, पुरानी से पुराने जख्म बिल्कुल ताज़ा होकर आपके सामने नज़र आएंगे। इस तरह की वाइब्स ग्रहण की एनर्जी में नज़र आ रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका डिवोर्स हुआ होगा, शादी टूटी होगी। आप उन पलों को याद करेंगे जब आपकी शादी हुई थी, आप कितने खुश थे, कितने हैप्पी थे। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया, उस अपने को सोच सोच कर आप रोगे। तो थोड़ी सी इस तरह की एनर्जी आप पिक करोगे। आपके पर्सन के साथ भी ये सिचुएशन रेजोनेट होगी, आपके पर्सन की एनर्जी में भी हैवीनेस नज़र आ रही है। और कुछ सिचुएशंस जो कि कोई कर्मा एसोसिएटेड है, वो कर्मा इनको बहुत बैडली ट्रिगर करेगा। जैसे आज के दिन में आप समझ सकते हो कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो डिस्टेंस बनाएंगे कार्मिक लोगों से, कई जगह पे कार्मिक ट्रिगर करेंगे, कार्मिक उनको किसी तरह की हानि पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों की वाइब्स ऐसी हो सकती हैं जैसे कि बहुत सारे लोग उनके दुश्मन बनकर बैठे हैं, उन्हें अपनों में अपना ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बैडली हर्ट होने की भी वाइब्स है। इवन कुछ लोगों के पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा वाइब्स कुछ ऐसी हैं जैसे कोई डिस्ट्रक्शन यहाँ पर दिख रहा है, बिकॉज भोलेनाथ ईगो का डिस्ट्रक्शन, नेगेटिविटीज़ का डिस्ट्रक्शन, एंड वी हैव गॉट डेथ एंड टावर टुगेदर विद जस्टिस एनर्जी। तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं वो बता रही हैं कि कुछ चेंज होगा, और ये जो चेंजेस हैं ये डेस्टाइंड है, मीन्स ये होकर रहेगा। इस तरह की वाइब्स है। लेट्स क्लेरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन बताऊँ तो यहाँ पर है टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, सेजिटेरियस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। क्लेरिफाई करें एंजल्स, जय हो प्रभु। देखो मैंने कहा ना, यहाँ पर कुछ बड़े टावर मोमेंट्स आएंगे, बिकॉज यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। आप दोनों के बीच में अगर फैमिली थर्ड पार्टी है तो यहाँ पर फैमिली में टावर मोमेंट आ सकता है। लव लाइफ में जो भी बीच में आ रहा है वहाँ पर टावर मोमेंट आ सकता है। आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट है तो सेपरेशन भी एंड होगा। सेपरेशन एंड होगा बिकॉज लव टू ऑफ कप्स के साथ टावर आया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो सेपरेशन में हैं,
सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके लिए कुछ पावरफुल एक्शंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूनियन में हैं तो ये ग्रहण ब्रेकअप करा सकता है। यहाँ पे अगर यूनियन में जो लोग हैं वो सतर्क रहें, कोई ऐसी बातचीत ना हो, शक, झगड़े, लड़ाइयाँ, इससे बचिएगा, अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश कीजिएगा। जस्टिस क्यों आया है एंजल्स, यहाँ पर आपके पर्सन सफ़र कर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर सफरिंग की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट है, कार्मिक ट्रिगर्स इनको मिल रहे हैं और आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी सिचुएशंस को एंड करना चाहते हैं। टावर क्यों आया है एंजल्स, मूव ऑन कर लेंगे उस एनर्जी से जिस एनर्जी की मैंने अभी बात की है, इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे फियरलेस होकर। मून को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ कट ऑफ होंगी कुछ सिचुएशन, क्लैरिटी मिलेगी एंड जस्टिस की वाइब्स हैं, न्याय होगा। शादी को लेकर भी कुछ डिसीजंस होने वाले हैं। वी हैव गॉट कर्मा एंड प्लान करा है आपके पर्सन ने और यहाँ पर जजमेंट होने वाला है, ऐसे जजमेंट जिससे कि इनकी और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। डेस्टाइन कनेक्शन यहाँ पर अगर आपका है आपके पर्सन के साथ तो ये यूनियन कोई रोक नहीं पाएगा। कैसा चेंज एंजल्स, आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, इनकी जो भी मैजिशियन के साथ आया है स्टैंड योर ग्राउंड, इनकी जो भी विशेस हैं, इनकी जो भी डिज़ायर्स हैं, उसके लिए आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चेंज आपको आपके पर्सन के बीच में नज़र आएगा। सो करंट एनर्जी मैंने आपको बता दी है, होप आपको करंट एनर्जी से गाइडेंस मिल गई होगी कि किस एनर्जी में होंगे आपके पर्सन। अगर आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनके साथ जो एनर्जी है वो काफ़ी हैवी हो सकती है। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। पहला ही कार्ड है हैप्पी फैमिली विद डोर टू रोमांस, द थिंकिंग वुमन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए यहाँ पर जो करंट फीलिंग्स निकल कर आई है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ शादी हो जाए, आपके साथ यूनियन हो जाए। इवन ये बहुत दूर की सोच रहे हैं, आप दोनों साथ हो जाएं, बच्चे आपके हों। रेनबो की एनर्जी है जो कि सात कलर्स को दर्शाती है और यहाँ पर सक्सेस को दर्शाती है, हैप्पीनेस को दर्शाती है, वाइब्रेंट कलर्स हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में सूर्य की एनर्जी है तो यहाँ पर ब्राइटनेस आए, अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए, यूनियन हो, ये इनकी वाइब्स हैं करंट फीलिंग्स में आपको लेकर। नेक्स्ट जो कार्ड हमारे पास है वो है डोर टू रोमांस, तो डेफिनेटली आपके पर्सन को पता है कि आप इनके हैप्पीनेस का दरवाज़ा हो, आपसे मिलकर आपके साथ होकर ही ये कंप्लीट फील करते हैं या करती हैं। अगर आपसे दूर होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी सोल ही इनसे दूर चली गई है। बिल्कुल आइसोलेटेड रहना, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहना, बिल्कुल भी हैप्पीनेस ना रहना, और आपसे बातें करते ही, आपकी इनकी लाइफ में आते ही इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ ग्रो कर रही है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है। सडनली इनका काम में मन लगने लग रहा है, सडनली इनका अपने शरीर को सुधारना, अपने अच्छी ड्रेसिंग करना, अपने ऊपर फोकस करना, और आप नहीं तो इनको लगता है कैसे भी रह लो, कुछ भी खा लो, मत खाओ, इस तरह की वाइब्स है। तो आप इनकी लाइफ में अबंडेंस, आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस, आप इनकी लाइफ में वो रास्ता हो जहाँ पर ये खुश होते हैं, इनका दिल खुश होता है, तो ये वाली वाइब्स इनकी करंट फीलिंग्स में निकल कर आई है। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए,
कई बार गाइस नोटिफिकेशन नहीं जा रही है वीडियोस की, तो नोटिफिकेशन अगर नहीं भी जाती है तो मैं आपको यहीं से बता देती हूँ कि आप आकर जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जब आपको लगे कि अब आप फ्री हैं, तब आप सब्सक्रिप्शन, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर आकर वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको ब्लू डॉट दिख जाएगा, उससे आप समझ जाओगे कि कोई न्यू अपलोड हुई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो वो यूट्यूब की तरफ से इशू है, यूट्यूब के कुछ रूल्स चेंज हुए हैं कि अब दिन भर में आप एक या दो वीडियो का ही नोटिफिकेशन यूट्यूब देगा और बाकी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन वो अपने आप ही कैंसिल कर दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप वीडियोस देखते हैं तो आप स्वयं से आकर चेक कर सकते हैं। देन वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। एक और बात, पहला नंबर आया था हमारे पास 8, 1 + 7 = 8। देन वी हैव गॉट नंबर 7 एंड देन वी हैव गॉट नंबर 6। सो यहाँ पर आप काउंट कीजिए, वी हैव गॉट 786। आज सबसे पहले महादेव आए थे और महादेव का नंबर यहाँ 786 आ चुका है, लकी नंबर है। और 786 यहाँ पर गुड न्यूज़ को दर्शा रहा है, वो भी होप के साथ आया है। आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे थे तो स्टैंड लेंगे, बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों की एनर्जीज़ में, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं किसी कारण से, तो सब्र रखिए, बहुत जल्दी आपका ये सेपरेशन पीरियड ख़त्म होगा। आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, प्लान कर रहे हैं। अगर आपके लिए पास्ट में इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था, आपको रिजेक्ट कर दिया था या बोल दिया था कि शादी नहीं हो पाएगी, पेरेंट्स नहीं मानेंगे और अपने आप से आपको दूर कर दिया था, तो आने वाले समय में होप रखिए, ये सिचुएशन चेंज होने वाली है, पेशेंस रखिए। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस तो आएंगे ही, कॉल्स तो आएंगे ही, चाहे आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो या शॉर्ट डिस्टेंस में हो, और एक्शन की भी वाइब्स हैं यहाँ पर। मेमोरीज ऑफ लव, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी सुनने मिलेगा कि उनके पर्सन बोल सकते हैं कि बहुत याद आ रही थी। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपकी ही मेमोरीज़ में डूबे हुए हैं, इस तरह की वाइब्स हैं। सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 7 और 6। कुछ लोगों से ये एनर्जी 60 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों से 70 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों से 24 आवर्स या 25 आवर्स के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेड मैसेज है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। कुछ लोग काफ़ी हफ्तों से सेपरेशन में हैं, आने वाले फ्यूचर में आपकी लव लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं, रिकवरी की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए, नो नीड टू वरी की एनर्जी आई है। एंड एक दूसरे को माफ़ करने की वाइब्स है, अगर आप उनको या वो आपको माफ़ नहीं कर पा रहे थे, नाराज़गी थी, तो यहाँ पर एक दूसरे को फॉरगिव करने की वाइब्स हैं। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स, एंजल गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए। पहला गाइडेंस है ड्रीम्स, काफ़ी लोगों को यूनियन के ठीक पहले ड्रीम्स नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके पर्सन ड्रीम में नज़र आते हैं, या फिर कोई पॉजिटिव ड्रीम आता है, स्पेशली अगर आपको वाइट बर्ड्स नज़र आती हैं, वाइट एनिमल्स नज़र आते हैं, या आपको लाइव अगर आपके घर पे आके कौवा बोलने लगे, स्पेशली आपके घर, पेड़ ओड़ पे नहीं, अगर आपके घर पर आकर कौवा बोलने लगे, तो ये भी एक साइन होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन में यूनियंस होते हैं। द चैलेंजर की एनर्जी है, कई लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप बहुत चैलेंजिंग और बहुत पेनफुल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है आपने अपनी लव लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया है और आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में इतने चैलेंजेस हैं जितना कहीं नहीं होंगे। आपकी लाइफ में कभी स्मूथ जर्नी रही नहीं है, हमेशा आप मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, ऐसा लगता है बिछड़ने के लिए ही मिले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो नहीं समझ पाते कि यार मेरी जर्नी में इतना चैलेंज क्यों है, एक सिंपल सी लव लाइफ क्यों नहीं है कि हम मिले, एक दूसरे को पसंद किए, शादी किए और आगे बढ़े।
यहाँ पर शादी में दिक्कत, लव लाइफ में दिक्कत, एटीट्यूड प्रॉब्लम, लॉजिकल इश्यूज़, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में अगर कोई चैलेंजेस हैं तो उसको फेस कीजिए, उससे डर कर पीछे मत हटिए, ये वाइब्स है। कई बार आपको लगता है कि चैलेंजेस के कारण आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को और हायर वाइब्रेशन में ले जाना होता है, ताकि जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं वो आपको ट्रिगर ना कर पाए। कोई इंसान ट्रिगर तभी कर पाएगा जब आप उसकी पहुंच में होंगे। जब आप उसकी पहुंच से ऊपर उठ जाते हैं तो वो लोग सिर्फ चिल्लाकर चुप हो सकते हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो आप अपने लाइफ के उन चैलेंजेस को सोचिए, देखिए और ये नोटिस कीजिए कि आप उससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकल सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है डिवाइन प्लान। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, ज़्यादातर चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं, प्लान्ड होती हैं, जैसे कि जन्म, मृत्यु, शादी, हमारे लाइफ के कुछ कार्मिक लेसन्स, ये सब डेस्टाइंड होते हैं, क्योंकि हमने जो अपनी पास्ट लाइफ में किया है उसका जो लेन देन बाकी होता है, कोई ना कोई हमारी लाइफ में आता है, हमें चपत लगाता है, या हमें कुछ अच्छा करके चला जाता है, या कुछ चोरी कर कर चला जाता है, या कुछ कोई उधार लेकर चला जाता है वापस नहीं करता, कोई हमें कुछ दे कर चला जाता है वापस नहीं मांगता। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं, ये कुछ ना कुछ बकाया आपका रहता है उन लोगों के साथ। इसके जैसे ही आपकी लाइफ में जो आपके हस्बैंड आते हैं या वाइफ आती हैं, या आपके जो इन-लॉज होते हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके क्लोज़ फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ डेस्टाइंड कनेक्शन होता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में आते हैं। तो आपकी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट पहले से ही लिखा होता है, हम उस ब्लूप्रिंट पे चलते हैं। कभी-कभी हम उस ब्लूप्रिंट पे ना चल के भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, और रास्ता भटक जाते हैं तो अगर हम डिवाइन के बच्चे हैं तो डिवाइन हमें कई बार सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सही रास्ते पर अगर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो हमें पड़ते हैं डंडे। और जब डंडे पड़ते हैं तो हम कहते हैं, अरे मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? अरे आप गलत रास्ते पे हो इसलिए हो रहा है ऐसा, सिंपल सी बात है। तो सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होता है। तो नेवर ब्लेम एनीवन। अगर आपके साथ कुछ घटित हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लीजिए, ना कि किसी दूसरे पर बिल फाड़िए, अरे मेरा तो पार्टनर ही मेरे लायक नहीं था, अरे वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। नहीं, हो सकता है आपके उसके साथ कुछ ऐसे कर्मा पेंडिंग रहे हों। देखते हैं भगवान शिव की तरफ से आपके लिए गाइडेड मैसेज। विल टेक टू कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। देखिए, यहाँ से भी फॉरगिवनेस का कार्ड आया और यहाँ से भी भोलेनाथ की तरफ से फॉरगिवनेस का कार्ड आया। इसका मतलब कि ये 100% कन्फर्म एनर्जी है। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप और बड़े हो जाते हैं, आपकी लाइफ में आप और सक्सेस अचीव करते हैं, क्योंकि माफ़ करने से आप कमज़ोर नहीं होते, माफ़ करने से ये साबित होता है कि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लोगों के गलतियों को माफ़ करके सही साबित करने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, तुमने गलती की, इट्स ओके, मैंने तुम्हें फॉरगिव कर दिया, अब तुम सही रास्ते पर चलो, ठीक है, मैंने तुम्हें एक चांस दे दिया। बार बार इंसान माफ़ भी नहीं कर सकता, भगवान भी आपको 1, 2, 3 मौका देंगे, उसके बाद वो आपको दंडित करेंगे कि नहीं भैया, तुमको मैंने इतने टाइम दिया, तुमने सही रास्ता नहीं चूज़ किया, अब तुमको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे लोगों को माफ़ करने की शक्ति अर्न करने लगते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योग, थ्रू साधना, वैसे वैसे आप असेंड होते जाते हैं। क्योंकि जब आप असेंड होते हैं, जब आप हायर वाइब्रेशन में होते हैं, तभी आप किसी को माफ़ करने का दम रख पाते हैं, वरना लोग माफ़ नहीं कर पाते, बदला लेकर ही उनको मज़ा आता है। इसके बाद हमारे पास है ओवर बर्डन से नो रिलीज बर्डन। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ओवर बर्डन हैं, किसी न किसी बात का प्रेशर है, किसी न किसी बात में आप फंसे हुए हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, ट्रैप्ड हैं। तो आपके लिए डिवाइन का मैसेज है कि अपने आप को फ्री कीजिए। आप इस धरती पर खाली हाथ आए थे, कुछ नहीं लेकर आए थे सिवाय अपने कुछ कर्म के, अपने कुछ पुण्य और कुछ आपके पिछले जन्म के पाप, उनके साथ आए थे। अब इस जन्म में आपने या तो बहुत अच्छे कार्य किए हैं और आप बिल्कुल लाइट हैं, क्योंकि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारी जो सोल होती है वो बहुत हल्की हो जाती है, और जब हम बहुत गलत कार्य करते हैं या हम बहुत लोगों से कुछ ना कुछ लेन देन बना लेते हैं, कुछ कर्मा पेंडिंग रह जाता है, तो हमारी जो आत्मा होती है वो बहुत भारी हो जाती है, हमें अपने शरीर पर ही बोझ लगने लगता है, ऐसा लगता है कि यार हम तो बहुत बर्डन है।
कहा जाता है, एक कहावत है कि आप जितने ज़्यादा अमीर होते जाते हैं उतने ज़्यादा आपकी रातों की नींद चली जाती है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है ना वो बिल्कुल बिंदास होता है, बिल्कुल चैन की नींद, सुकून वाली नींद। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही नहीं कही गई हैं, ये प्रैक्टिकली लोग ने टेस्ट किया हुआ है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर किसी न किसी तरह का बोझ हो, आपने कभी किसी से झूठ बोला हो सकता है आपके अंदर कोई गिल्ट हो सकता है आपके अंदर ऐसी कोई भावनाएं हो जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने आप को बर्डन मत रखिए, लाइट रखिए। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ गाइडेंस, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।